नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई BSF हेड कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ भाई मैं आपको ऑफिशियल टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताने वाला हूँ जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि जो CAPF के अंदर भाई BSF के अंदर CRPF के अंदर CISF के अंदर ITVP और SSB के अंदर जो कुल मिला के हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई हैं, ASI स्टर्नों की वैकेंसीज निकाली गई हैं, उनका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके अलावा भाई आपको मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि किस प्रकार आप जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो अपने फिजिकल और टाइपिंग को भी साथ में लेके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा भाई वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसकी जो डेट्स हैं भाई वो आपके फिजिकल के बाद डिक्लेयर की जाएंगे दोस्तों, लेकिन बहुत ही जल्द आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों यहाँ पे भाई टोटल 5 पार्ट रहने वाले हैं। जो पहला पार्ट रहेगा भाई वो आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है भाई जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा हो वही जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा। कुल मिला के जो है उस लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें आपका मैथ पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मैथ लेने वाला है वो एडवांस मैथ रहेगा, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका एक सेक्शन है दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके भी जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जीके जीएस का कोई भी पोर्शन नहीं है, यानी आपके एग्जाम में जीके और साइंस नहीं आएगी भाई, ध्यान रखना। कोई भी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है आपका जनरल साइंस का या जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है भाई, ठीक है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है भाई वो कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया भाई, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया। और जो आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो दिया जाएगा भाई 100 मिनट आप कह सकते हो, या फिर 1 घंटा 40 मिनट का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो है सिलेबस की। तो भाई सिलेबस यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो ज़्यादा टफ नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो बड़ा ही सिंपल सा है, जैसा आपका हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इन सब्जेक्ट्स का। देखो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के मैंने कितने बताए थे भाई, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या फिर आप हिंदी लोगे तो हिंदी के भी आपके कितने हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों में से केवल एक ही आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एरर आएगा भाई, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनियम एंटोनियम्स होमोनियम्स आएंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग आएंगे वर्ड्स भाई जिसमें मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, आइडम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गया। उसके बाद भाई यहाँ पे कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन का भाग आ गया, स्टफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट यानी PQRS आ गया भाई। उसके बाद सफलिंग सेंटेंसेस इन अ पैसेज, उसके बाद क्लोज पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, उसके बाद भी मिसलिनियस। मतलब अगर हम बात करें तो जो आपका SSC MTS CHSL या और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश रहती है वही यहाँ पे भी रहने वाली है। हिंदी का पोर्शन इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और हिंदी का पोर्शन भाई लेंथी है, ध्यान रखना, जिसके अंदर हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी तो आपको होनी चाहिए। और इस सामान्य जानकारी में भाई पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक स्थान पर एक शब्द, उसके बाद भाई सम रूपी विनार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गया भाई, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि। उसके बाद भाई अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार भाई और विविध इत्यादि शामिल होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हिंदी का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी रहने वाला है। अगर आपको इंग्लिश भाई, अगर आपकी इंग्लिश जो है नॉर्मल भी है तो भी आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक तो लेंथी है, दूसरा भाई यहाँ पर बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे। तो मेरा सजेशन आपका रहेगा कि आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई जनरल इंटेलिजेंस की यानी जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा भाई, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग रहेगी। उसके बाद भाई सिमेटिक एनालॉजी, सिम्बोलिक ऑपरेशंस, सिम्बोलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स,
फिगरल एनालॉजी आपकी रहेगी भाई, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफ्रेंसिस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न जिसमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग रहेगी भाई, सिमेटिक सीरीज रहेंगी, फिगरल पैटर्न आपका रहेगा फोल्डिंग और कंप्लीशन का, नंबर सीरीज आपकी रहेगी भाई, एम्बेडेड फिगर्स रहेंगे, फिगरल सीरीज रहेगी भाई, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगी, वर्ड बिल्डिंग रहेगा भाई, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी भाई, और कुछ और सब टॉपिक्स जो होते हैं भाई वो भी आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें भाई, तो ये है आपका मैथमेटिक्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेंगे भाई, एलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनमेट्री, उसके बाद स्टैटिस्टिकल चार्ट्स और मिसलेनियस पोर्शन आपका रहने वाला है, मतलब ये आपका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड ये एक जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है दोस्तों, जो भी क्लरिक एग्जाम होते हैं उनमें क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 20 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या होगा भाई, अल्फाबेटिक फीलिंग रहेगा भाई, अटेंशन टू दी डिटेल रहेगा भाई, डाटा चेकिंग रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी रहेगा, स्पेलिंग चेकिंग रहेगा, एरर स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इशू रिलेटेड टू दी एप्टीट्यूड ऑफ ए क्लर्क, ठीक है। तो ये आप जो है किसी भी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई अगला सब्जेक्ट ये है कंप्यूटर नॉलेज का, तो कंप्यूटर नॉलेज में भाई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रीवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS Word, MS Excel, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस टॉपिक आपके जो है कंप्यूटर के सेक्शन में रहने वाले हैं। तो ये आपका जो है कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा। कुल मिला के आपके मैंने अभी आपको बताया कि 100 क्वेश्चन रहेंगे भाई, और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा भाई 1 आवर 40 मिनट्स का, ठीक है। 1 आवर 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे भाई आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र जो है फिलहाल नहीं किया गया है। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उससे पहले इंस्ट्रक्शंस में बता दिया जाएगा, मे बी नेगेटिव मार्किंग आपकी बार हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है एक एक टॉपिक वाइज, इसकी प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, बुक्स वगैरह से कर सकते हो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा अभी कि मैथमेटिक्स में तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि जो एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है पिछली बार भी सारे के सारे 6th to 10th के जो है मैथ से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो और आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भाई मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जो कि स्पेशल बनाया गया है भाई आपके हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, उसको आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट से डिस्कशन कर सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो वो आप डिस्कस कर सकते हो भाई। वहाँ पर मैं आपके साथ पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, ठीक है। फिजिकल के बाद आपकी भाई यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल के बाद होगा भाई आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा जिसे आप टाइपिंग भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो होगा भाई वो आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भाई आपका जो है फाइनल ट्रेनिंग का जो है लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई देखो, फिजिकल अगर मैं बात करूँ स्किल टेस्ट की, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको पास ही ये करने हैं, कोई भी इनके नंबर नहीं है। लेकिन आपकी जो मेरिट होगी वो किसके भी आप पर बनेगी, वो बनेगी भाई आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के भी आप पे। तो सारा का सारा फोकस आपको करना है भाई आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं इन पर, ठीक है। बाकी फिजिकल और स्किल टेस्ट के भी आप प्रिपरेशन साथ ही साथ करिए, क्योंकि इन्हीं को आप पास करोगे तभी आप मेरिट में नाम बना पाओगे। तो भाई व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।